करना चाहूँगी। मूंग, हरी मूंग, उसके रेसिपी दे रही हूँ, देखिए। 15 से 16 घंटा ला के उसके बाद इसको छोड़ दिया पानी छान के। तो देखिए स्टेप से इसमें ये निकल गया झाड़। ये बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मैं इसको बनाऊँगी, इसको आप कच्चा भी बना सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। मैं इसको नाश्ते में बना रही हूँ। लेकिन देखिए यहाँ कड़ा ही में तेल डाला है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज डालूंगी, लहसुन काट के, एक अदर, दो अदर हरी मिर्च डाल देंगे, मूंग को अच्छे से मैंने धो के रख लिया है, अब इसको मैं डालूंगी। ये हरी मूंग कहा जाता है, हरी मूंग की, ये मूंग वो वाली नहीं है जो छिलके वाली दाल जिसकी बनती है, वो मूंग नहीं है, हरी मूंग होती है। ये चला गया, इसमें मैं थोड़ी सी लहसुन डालूंगी। थोड़ी सी चाट मसाला डालूंगी, हल्का सा फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं, इसका ये जो व्हाइटनेस है जल जाए। ये व्हाइटनेस जो है ना, इसमें बहुत ताकत है, हीमोग्लोबिन इससे बढ़ता है। आपके सेहत के लिए नमक डाल दूंगी, ये आपका सेहत के लिए बहुत ही मजबूत है, पेट के लिए सबसे बढ़ के बहुत ही अच्छा है। सुबह में डेली एक कटोरी खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, सबको। ये देखिए कुछ जब कम टाइम खिलाइएगा तो अच्छे से नहीं फूलेगा, इस टाइप से देखिए नहीं फटफट के। या जब दाल अलग हो जाती है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फास्ट बन जाता है 2 से 3 मिनट। प्याज को ज़्यादा मत कीजिएगा ना, प्याज का मीठापन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा बस, अगर कलर चेंज होने तक बस, अगर प्याज का मीठापन बाकी रहे, मुँह में आए तो करंची करंची अच्छा भी लगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए मैं इसके साथ क्या क्या मिक्स करूँगी, अब आपको मैं दिखाती हूँ। सीधा किया बन, देखिए मैं लूँगी इसमें चूड़वा और मूँगफली। अब इसको मैं मिक्स करके खाऊंगी, आप खाली भी खा सकते हैं, तो इसमें नमकीन भी मिला लीजिए तो अच्छा लगता है। तो देखिए हमारा ये शानदार।